पिछले दिनों पिथौरागढ़ धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्र के कुटी गांव में बादल फटने से तबाही मच गई थी। यहां नाले के उफान में आने से कुटी और जोलिंगकांग को जोड़ने वाला पुल भी बह गया था, जिसके बाद आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। हालांकि इस तबाही में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन सड़कों पर मलबा आने से यहाँ लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। 3 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ के हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी सड़कों पर मलबा आने से आवाजाही रुकी है, साथ ही लोगों में अभी भी बादल फटने से डर बना हुआ है। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।